ये भेज रखा है उत्तराखंड वाली दीदी ने, पूरी खीर सब्जी और घुटते। ये देखो ये भेजे हैं घुटते। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और वही बुला लेते घर में ही, भेजने की क्या ज़रूरत थी। नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हो गए? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। गाइज, आज की ब्लॉग की शुरुआती मैं सुबह के 10 बजे से कर रही हूँ, और आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये देखिए, पूरी अच्छे से धूप आ चुकी है आज, और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है मकर संक्रांति, हम बोलते हैं उत्तराखंड वाले बोलते हैं घुगती, आज है घुगती त्यार, और सभी लोगों को घुगते त्यार की हार्दिक शुभकामनाएं, और सब घुगते बनाना और उड़ाना, ठीक है? ऐसा कुछ है, हमने तो घुगते बनाए नहीं क्योंकि गांव में बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर घुगते नहीं बनाए, शायद खजूरे बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने खजूरे कैसे बनाए। चलो अच्छे से मौसम दिखा देती हूँ। ये देखें, मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, पूरे 10 से 15 दिन में आज धूप निकल रखी है यहाँ पे, और कितनी अच्छी धूप आई है क्या ही बताऊँ। मैं तो जब से धूप आई है धूप में बैठी हूँ, 1-1.5 घंटा बैठ लिया मैंने पूरा। अब मैं बनाऊँगी दिन का खाना, और देखो सारे कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और मैं से कि ऐसी हरकतें हैं ना, इसको मैं अगर ना इसको इसके लिए मैंने देखो चटाई नीचे बिछा रखी थी, मैंने कहा यहाँ बैठ जाना, और ये नहीं बैठा, और मैंने जैसे गद्दे ऊपर डाले ना ये देखो, और इतना बदतमीज है, और यहाँ जाके चेयर में बैठ गया, वैसे नहीं बैठेगा, और जैसे मैंने गद्दे ऊपर रखे चेयर के ऊपर तो अपना भी बैठ गया। और देखो मैंने अपने बिस्तर भी बाहर डाल रखा है सुखाने के लिए यहाँ पर ऐसा। और दिखाती हूँ आपको इधर साइड का मौसम, देखिए सारे लोगों ने आज कपड़े बाहर डाल दिए हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद धूप आई है, तो सब लोग अपने अपने कपड़े सुखा रहे हैं, अच्छे से धूप लगा रहे हैं, और ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाए, है ना। देखिए ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है अभी का, काफ़ी अच्छा लग रहा है, रोज़ ऐसी धूप आए तो बात ही कुछ और है। मैंने गद्दे लगा रखे हैं, अब थोड़ी देर यहाँ पर धूप सेक लेती हूँ, है कि नहीं, है कि नहीं। और ये इसको मैंने नीचे बैठा दिया, देखो ये डुगू डुगू नीचे बैठा रखने वाले। यहाँ पे और लोग भी रहते हैं, 1-2 लोग रहते हैं, ज़्यादा तो कोई नहीं है, एक हम हैं, 2 लोग और हैं, एक दीदी तो थोड़ा सा आगे रहती है, एक दीदी थोड़ा दूर रहती है, जिनके घर हम नामकरण में गए थे वो थोड़ा दूर रहती है, दूसरी वाली दीदी इधर ही पर रहती है। अगर वो बनाएंगी तो घुगते, मैं उनके घर जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि उनने कैसे घुगते बनाए, और जगह तो घुगते नहीं बनाते हैं, उत्तराखंड में मेन है कि घुगते बनाते हैं इस दिन। और जब हम घर में थे ना, छोटे छोटे थे, तो इस दिन क्या होता था, घुगते त्यार के दिन पूरा घास काटते थे गाय बच्चियों के लिए, पूरा उस दिन पूरा घास नहीं काटते थे, और काफ़ी अच्छा लगता था, पूरे दिन भर घुगते बनाते थे, छत में बना बना के सुखाते थे हम लोग, ऐसा कुछ। और घर की बहुत याद आ रही है आज तो मुझे, अपने मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही, क्योंकि जब हम बचपन में घुगते बनाते थे ना, बड़े मज़े आते थे, और हम भाई बहन इतना लड़ते थे ना घुगते बनाने में, बहुत ज़्यादा, मतलब जब मम्मी पकाती थी ना तो सबके घुगते मिक्स हो जाते थे, तब बड़ा वो होता था, तब मम्मी क्या करती थी, एक एक घान करके डालती थी, मतलब जैसे हम 7 भाई बहन हैं तो 7 के लिए 7 बार डालना पड़ता था तेल में, और अलग अलग देना पड़ता था, नहीं तो हमारी फोड़ा फोड़ हो जाती थी। वो दिन मुझे आज बहुत याद आ रहे हैं, मिस यू भाई बहनों मेरे, आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ मैं आज, और इतनी दूर है और जा भी नहीं सकते हैं, चलो जब जाएंगे तब मिल लेंगे। और आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था तो आप लोग भी ज़रूर अपनी स्टोरी मुझे शेयर करें। स्लिप हाँ सोजा, देखो जान तो नहीं हो तू, सोई सोई कर ले। हाँ, 2 बजने को जा रहा है, और हस्बैंड जी अभी तक आए नहीं है खाना खाने, और मैं तो अभी तक भी धूप में बैठी हुई हूँ, खाना वाना मैंने बना लिया है, खाने में मैंने क्या बनाया, खाने में चावल दाल छोली और सलाद है, अब खाना खा लेते हैं उसके बाद। काव्या चूप छिल्ला है, ये देखो अभी इधर देखो, ये देखो कैसे छिलते हैं चूप, आपको आता है? हाँ।
मैंने जो उसके ऊपर डंडी थी ना उसको ऐसे ऐसे करते थोड़ा सा सीटियाँ लग दिया। ओह माय गॉड, घुगते। और अभी हम पंजाब में हैं, यहाँ पे भी हम घुगते बना रहे हैं। अभी मैं आई हूँ इधर काव्या लूंग के घर में, ये देखें। और इधर एक थाली घुगते हमने बना दिए हैं, अभी आटा और लगा रखा है। देखो ये देखो ये दीदी ने क्या बना दिया, ये देखो ये बना रखा है। अलग अलग तरीके के नई नई चीज़ें बना रखी हैं हम लोग ने, ये देखिए। बने रहे आप लोग ब्लॉग में, कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाएंगे। जो लोग उत्तराखंड से हैं उनको तो पता होगा कि ये चीज़ क्या है, अगर जो उत्तराखंड से बाहर से देख रहे हैं तो वो लोग भी देख लो। और आप लोग भी आना हमारे उधर, हम आपको भुगते बना के खिलाएँगे। साथ में आ रहा है सूप, ये देखो चेस्ट करो चेस्ट अपना फूटे हैं चेस्ट के चक्कर में। चलो आप लोग भी पी लो सूप, हम तो पीते हैं। ऐसे लग रहा है टमाटर पी रहे हैं, टमाटर का सूप है, ऐसे लग रहा है टमाटर पी रहे हैं। मेरा गर्म हो गया, मुँह जल रहा है। दीदी बना रही खजूर, ये इनको ना वीडियो बनाने में बहुत शर्म लगती है। ये देखो खजूर बना ली, बहुत है बिस्कुट बन गया, बिस्कुट। ये देखो और ये घुगते बन गए। इधर है अभी, इधर इतना आटा लगा रखा है। आटे में क्या क्या डाला आपने? आटे में है सौंफ और दूध, चीनी, और लास्ट में हमने क्या डाला था, सोडा थोड़ा सा। गुड़ नहीं डाला क्या? गुड़ नहीं, गुड़ वाला नहीं बनाया था ना। अच्छा चीनी, चीनी और दूध वाला। अच्छा चलो सही है। और आपको पता है घुगते तैयार क्यों बनाते हैं? क्या बताऊँ? अतन पत्तवर बिंदु खत किसी को पता नहीं है। फटाफट बेल लेती हूँ और आप लोग बने रहना। हाँ मैं भी माला हला के देखा बच्चों के लिए, फटाफट बनाते हैं। और क्या था, छोटे छोटे रात को त्योहार कुछ नहीं, पूरी बना दूंगी। ये देखे ऐसे बना रहे हैं सब्जी भी, बेलन में लगे हैं बेलने में। तल जाओ, हाँ जाओ। ये गए हैं तलने के लिए और मैं बेलने में लगी हूँ। अब इसके बनाऊंगी मैं खजूरे, और गाइस आप लोग भी आइए, आपको भी खिलाएंगे हम खजूरे। और इधर बन रहे हमारे खजूरे, ये देखें। और ये घुगते निकाल दिए हैं, और इधर भी हैं, ये देखें इधर भी हैं, ये देखें। पूरे पंजाब के लिए बना दिए, अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी हो रहे हैं। फटाफट बनाने में लगे हैं, इतने सारे तो बना दिए। और इसमें क्या बन रहा है, खीर, इसमें खीर बना रहे हैं, इसमें खजूर है। और सबसे पहले मैंने खा लिया, मीठा हुआ नहीं हुआ। मैं घुगते और खजूर बना के आ गई हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प करा के। और अब मैं जा रही हूँ घर को। अगर आपको हमारे घुगते और खजूर बनाए हुए अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक आप लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहना। और दोबारा से हैप्पी घुगती तैयार। बाय बाय गाइस।